जो हमारी पीआर आर कंसल्टेंट है ना यूएसए में तो मैंने एक दफ़ा हम गए थे किसी शीशे पे और एक दफ़ा गए थे पता नहीं किसी और शीशे पे या उसी शीशे पे तो मैंने कहा डेजा वो हो रहा है मुझे तो कह रही क्यों मैंने कहा इसका मतलब द चेंज इज़ कमिंग दर इज़ समथिंग चेंजड चेंज आने वाली है या हो गई है चेंज रूहानियत में पहले चेंज हो जाती है बाद में इंप्लीमेंट होती है यानी कि दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्कस ऊपर से फैसले पहले होते हैं बाद में यहाँ पे उनका नफाफ किया जाता है द इम्प्लीमेंटेशन इज लेटर इट टेक्स टाइम बट डेजा वो होने का मतलब होता है जब अगर मुझे होगा डेजा वो दैट मीन देंज वही फार्मूला है एज द मेट्रिक्स क्योंकि इफ़ यू वॉच द मेट्रिक्स इट बेसिकली कम्स फ्राम ओल्ड स्कूल प्रैक्टिस और uh, क्या कहते हैं उसे uh, या ये कि रेसिटेशनल प्रैक्टिस कर लो या जो भी वर्ड करना है कर लो उसको बट वो फार्मूला वही है ये ये रिचुअल्स में जाता है और ये पुरानी प्रैक्टिसज़ है प्री हिस्टोरिकली गोइंग बैक कदीमी इल्म जैसे मेरे अब्बा कहते थे डेजा वो जो है वेन एवर यू सी या डेजा ऑह दैट मीन दिस इज चेंज कमिंग या चेंज आ गई है अब ऊपर से वही बात है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ऊपर पहले चेंज हो जाती है ज़मीन पे बाद में इम्प्लीमेंटेशन होती है इट टेक्स टाइम बिकॉज दिस इज़ अ टाइम बाउंड प्लेस दैट इज़ नो टाइम बाउंड प्लेस वो जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम मिलने का है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बिकॉज नो टाइम एंड टाइम दैट इज़ अनदर सब्जेक्ट किसी और दिन बढ़ी जब वो मेरी दो बार हुआ तो मैंने कहा चेंज आ रही है चेंज इस कम है